भरतपुर से खबर, सरकार की छवि खराब। सरकार की छवि खराब करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कब होगी कार्रवाई? क्या सीएमएचओ कप्तान सिंह बचा रहे डॉक्टर पवन गुप्ता को? आखिर कारण बताओ, नोटिस जारी कर मामले को कर दिया इति। श्री सांसद रंजीता कोहली से कहा था, सरकार के कहने पर आंकड़े घटाए और बढ़ाए जाते हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा करेंगे इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई? सरकार कर रही अच्छा काम, तो चिकित्सक क्यों करवा रहे इतनी फजीहत? तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है भरतपुर से, जहां सरकार की छवि को खराब करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? क्या सीएमएचओ कप्तान सिंह बचा रहे हैं डॉक्टर पवन गुप्ता को? आखिर कारण बताओ, नोटिस जारी कर मामले को कर दिया इति। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा जुड़ चुकी है। श्वेता, इस खबर पर आप क्या कहेंगे? आप फील्ड पर लगातार घूम रही हैं। देखिए आयुषी, ये बात तो सही है कि जो हालात या जो बयां कर रहे हैं, वजह नहीं पता कि टेस्टिंग के लिए सरकार ने मना किया, टेस्टिंग की नहीं जा रही है, व्यवस्थाएं है नहीं, रीजन क्या है ये नहीं पता। लेकिन गाँव गाँव के हालात यही बने हुए हैं। मामले इसलिए नहीं आ रहे हैं गांव में क्योंकि यहां पर टेस्टिंग नहीं हो रही है। और जिस तरह से डॉक्टर पवन के ऊपर ये एक्शन लिया गया, नोटिस दिया गया और उसके बाद 24 घंटे का भी वक्त नहीं दिया गया और सीधे जवाब देने को कहा गया, बचाव की यहां पर कोशिश की जा रही है, तो कोई ना कोई बात तो है। और अगर असल सवाल यहाँ पर डॉक्टर ने उठाया और डॉक्टर ये बात कहते हैं सांसद से और सांसद सवाल उठा रहे हैं, तो इस मामले के तह तक जाने की जरूरत है। क्योंकि एक ने अगर कैमरे के सामने बोल दिया या सांसद को कहा तो ये बात सामने आ गई है, लेकिन पूरे प्रदेश से कहा, जहाँ पर हजारों की तादाद में गाँव है, जहाँ पर हालात ऐसे ही बने हुए हर एक गाँव के, जहाँ पर लोगों को ये नहीं पता टेस्टिंग होती कैसे है, टेस्टिंग कैसे कराई जाए, कराना हो तो बहुत दूर जाना पड़ता है और ऐसे में कोई घर से निकलना ही नहीं चाहता। और ऐसे में अगर वास्तविकता देखी जाए तो घर घर में खांसी जुकाम के सिम्टम्स वाले लोग मौजूद हैं, घर घर में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बुखार है लेकिन वो जांच नहीं करा रहे, इसलिए पता नहीं चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ठीक है या किसी और वजह से है। और यही वजह है कि गाँव वालों से जब पूछा जाता है कि आपके यहाँ कोई मामले, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई मामले ही नहीं है लेकिन मौतें हो रही है, ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ दर्ज नहीं होता है। तो सवाल तो यहाँ पर उठता है और सवाल का जवाब भी देना होगा जिम्मेदारों को। अगर एक डॉक्टर ये सवाल उठा रहे हैं, डॉक्टर ये कहते हैं सांसद से कि देखिए हमें सरकार की तरफ से कहा जाए टेस्टिंग कम की जाए, जी बिल्कुल श्वेता, देखिए अवेयरनेस की कमी के चलते गांव में लोगों को अभी इतने अच्छे से नहीं पता है कि कैसे टेस्टिंग करानी है, कहां जाना है। और अगर ऐसे में डॉक्टर्स खुद सवाल उठाते हैं कि जो आंकड़े हैं पॉजिटिव के वो बढ़ाए घटाए जा रहे हैं, तो ये सरकार पर काफी बड़ा सवाल है। ठीक है आयुषी, बिल्कुल। विधायक योगेंद्र वानर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, स्थिति क्या है सर? भरतपुर में सांसद ये बोलते हैं कि सरकार की तरफ से मना किया है टेस्टिंग ना की जाए, उन्हें डॉक्टर पवन कह रहे हैं, देखिए मैं आप देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कल सांसद हमारी रंजीता कोहली जी, जो छोटी बहन है हमारी भरतपुर की सांसद, वो कल नदवई गई थी, सीएससी पे जाके उन्होंने दौरा किया था, निरीक्षण किया था और उन्होंने स्वयं इतनी तारीफ की डॉक्टरों की, स्टाफ की और सारी जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज वहां मिल रही है, और मेरे पास उसका वीडियो है। मेरी खुद उनसे बात हुई सीएससी पे, जब वो पहुंची तो वहाँ जो इंचार्ज हैं डॉक्टर, उन्होंने मेरी बात भी उनसे कराई और वो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छा काम चल रहा है और सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं, यहाँ के सारे चिकित्सक, सारा स्टाफ, सारी दवाइयाँ सब ठीक हैं। अब इस चीज की आप बात कर रही हैं डॉक्टर पवन की, मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा या नहीं कहा, लेकिन मैं दावे के साथ जरूर कह सकता हूँ कि वो वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है, मैंने अपनी सोशल मीडिया, मेरा जो पेज है उस पर भी डाला है उसको, तारीफ करते हुए उनकी के खुद स्वयं गई सांसद जी और उन्होंने तारीफ की, नदवई की, इतना हमारी जानकारी में जरूर है। ठीक है, आपकी जानकारी में ये है क्योंकि तारीफ की है जोगेंद्र जी, लेकिन हमारे पास भी वीडियो है, फर्स्ट इंडिया ने भी वो वीडियो चलाया जिसमें वो कह रही है, गाड़ी में बैठी हुई है और वो जवाब दे रही है कि यहाँ पर डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर जब खुद ये कहते, देखिए अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो आप ही इसका जवाब दे दीजिए ना, जब व्यवस्थाएं वहां पर है, आप कह रहे कि उन्होंने तारीफ की, आपके पास वो वीडियो है, लेकिन जो सार्वजनिक वीडियो है जो चैनल्स में चल रहे हैं उन्होंने ये बात कही, डॉक्टर पवन को नोटिस दिया गया, ये क्या मैटर है? आपको तो पता होगा सर
भरतपुर का ही मामला है। क्या कहा उन्होंने आप बता दीजिए मुझे, तो मैं आपको जवाब। उन्होंने सुनिए, हाँ मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ठीक है जोगिंदर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रंजीता कोहली जी खुद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सांसद रंजीता कोहली जी हमारे साथ हैं। रंजीता जी, डॉक्टर पवन ने आपसे क्या कहा, क्योंकि आपने ये बात कही कि उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने कहा है कि टेस्टिंग कम की जाए क्योंकि आंकड़े ज्यादा आते हैं, उनके हिसाब से ही हम आंकड़े ज्यादा और आंकड़े कम करते हैं। बिल्कुल जी मैडम, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप खुद वीडियो में सुनिए कि वीडियो में क्या आ रहा है, डॉक्टर से मेरी बात हो रही है, डॉक्टर ने खुद बोला ये चीजें। लेकिन अवाना जी भी हमारे साथ हैं, रंजीता जी, और वो कह रहे हैं कि आपने बहुत तारीफ की व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि आप मुंबई में सीएससी में। बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने हॉस्पिटल को देखा उसमें व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठीक थी। जब हम लोग निकलते जब हम लोग निकलते हैं डॉक्टर्स के ऊपर मैं और व्यवस्थाओं के ऊपर बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही हूँ, बाकी के बाहर निकलने के बाद जनता की बात सुनी है मैंने, जनता में, जनता के बीच में क्या हो रहा है और जनता में इस तरीके से कि आंकड़े को छुपाया जा रहा है और डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर साफ कह रहा है कि मैडम हमारी गलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है। अच्छा ठीक है, अब अवाना जी आपने सुना, जोगिंदर जी, श्वेता जी, जोगिंदर जी आपने सुना, रंजीता जी साफ कह रही है, रंजीता जी साफ कह रही है कि जनता भी ये कह रही है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी गलती ना, हमें ऊपर से ऑर्डर है। अब देखिए रंजीता जी सांसद हैं, मेरी छोटी बहन हैं, और वो कोई चीज कह रही हैं तो उनसे कोई बात हुई होगी डॉक्टर की, लेकिन ये मेरी कतई एकदम संज्ञान में नहीं है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि स्वयं रंजीता जी ने भी माना है, सांसद जी ने भी, कि नदबई की चिकित्सक जितनी भी व्यवस्थाएं थी चिकित्सा की वो सारी अच्छी थी, वो खुद गई थी, सब चेक कर रही है। जहाँ तक डॉक्टर पवन की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा सांसद जी से, उनकी क्या बात हुई, ये मेरे संज्ञान में नहीं। लेकिन अभी और बता अगर उन्होंने कुछ कहा, अगर उन्होंने कुछ कहा जैसा की सांसद जी कह रही हैं, मैं वही वही आ रहा हूँ, अगर उन्होंने कुछ कहा और किस हैसियत से कहा, किस हैसियत से बयान दिया, और अगर वो गलत बयान दिया तो निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी माननीय सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी महापंचायत की सदस्य हैं, और उनको अगर कोई गलत बयान वो दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक गलत तो, अच्छा सर, छुपाने वाली बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जहाँ तक अभी जो बात मेरे सामने आई है अभी आपके माध्यम से ही, जहाँ तक आंकड़ों को छुपाने वाली बात है, माननीय श्री अशोक गहलोत साहब, श्री रघु शर्मा साहब जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, सत्ताई आप देख रहे हैं कि पूरे देश के आंकड़े आप उठा लीजिए, राजस्थान के उठा लीजिए, कहीं कोई किसी तरह के आंकड़े छुपाए नहीं। जोगेंद्र जी सुनिए, डॉक्टर की व्यक्तिगत क्या राय हो सकती है या क्या राय दी है या क्या उन्होंने कहा है, क्या अपना इनको बोला है। आपने चिकित्सा मंत्री का जिक्र किया, आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है, और मुख्यमंत्री खुद सख्त है कि यहाँ पर टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो ताकि लोगों को पॉजिटिव होने से बचाया जा सके और जानकारी मिले तो वक्त रहते इलाज हो, ठीक है ना, ये हम भी मानते हैं, और इससे पहले आज तक हमने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ये कहता है, सांसद खुद हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो ये बात कहती है, तो हम ये क्यों देखें कि डॉक्टर के खिलाफ अगर उसने गलत बयान दिया तो हम कार्रवाई करेंगे, सही भी तो हो सकता है, और अगर ये सही होगा तब क्या करेंगे सर, वो बताइए। देखिए पहली बात मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं श्वेता जी, यहाँ हमारी सरकार या जितना मेरी जानकारी में, मेरी अपनी विधानसभा की भी खासकर बात कर रहा हूँ, चाहे वो सीएससी हो तीन है या पीएससी हो, कहीं भी किसी भी तरह के कोई आंकड़ों को छुपाने का हम लोग काम नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, जब माननीय सांसद जी से कोई बात डॉक्टर ने कही है और कोई गलत बयान दिया है, क्योंकि सांसद जी कह रही हैं, निश्चित तौर पे जब कह रही हैं तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है कि वो गलत कह रही हैं, वो सही कह रही हैं, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर ने किस मंशा से कहा, क्यों कहा, और इसकी जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। मैं आज ही अभी जैसे ही आपसे मेरी बात हो जाएगी सीधा डॉक्टर रघु शर्मा साहब से, चिकित्सा मंत्री जी से इस पूरे मामले में बात करूंगा, क्योंकि सांसद जी ने कोई बात कही है तो निश्चित तौर पे उस बात को मैं मजबूती के साथ में जी, चलिए आप ये कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करेंगे और बात करेंगे, लेकिन सर सांसद जी को भी सुन लेते ना, हमारे साथ ही है, वो कुछ बोलना चाहते हैं। बिल्कुल रंजीता जी कहिए, आप रंजीता कोहली जी आप सुन रही हैं। सबसे बड़ी पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी मैडम, इसमें सबसे बड़ी बात मैं डॉक्टर्स के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही हूँ अभी भी,
मैं पूरे प्रशासन की बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से कोरोना के मरीजों को टेस्टिंग नहीं करी जा रही है वो चीजें बिल्कुल गलत है। और ये पूरे एक नहीं, अभी तो मैं भरतपुर जिले में, मैं नदवे विधानसभा की बात कर रही हूँ, पूरे भरतपुर जिले में ही ये हाल है। और इसमें मैं कहीं भी बिल्कुल देखिए रंजीता जी, आपने कहा नदवई आप गई थी और अभी भरतपुर जिले के हाल है। जोगिंदर जी आप सुन रहे हैं ना सर, और मैं भी एक बात आपको बता दूं, मैं खुद यहाँ गांव-गांव में जाकर देख रही हूँ सर, और मैं हकीकत दिखा रही हूँ लोगों से बात करके। आप जयपुर की बात कर लें, चौमू, किशनगढ़, अजमेर, सीकर, फतेहपुर, जहाँ जहाँ गए और जितने गाँव का दौरा किया है सर, एक बात कॉमन है, टेस्टिंग कहीं पर भी नहीं हो रही है। अब ये बताइए, जब टेस्टिंग होगी नहीं तो पॉजिटिव केसेस आएंगे कैसे सामने, कैसे गाँव को बचाएंगे सर? देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आपने जो बात कही है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। मैं स्वयं की खुद की अपनी विधानसभा की आपसे बात कर रहा हूं कि जहां 3 CSC हैं और 8 PSC हैं, एक एक जगह गांवों में जा जाके बाकायदा टेस्टिंग हो रही है। और ये सारी चीजें हमारी बहन रंजीता जी हैं कि स्वयं भी जा रही है, कई PSC पे भी गई हैं, कई दिन से सब जगह जा जाके मतलब निरीक्षण कर रही हैं, और ये अच्छी बात है। यहाँ कोई इस तरह का चीज नहीं है, सरकार कतई कोई आंकड़े नहीं छुपाना चाहती। व्यक्तिगत किस डॉक्टर की क्या राय है, जो बहन जी ने अभी कहा रंजीता जी ने, ये वो जांच के बाद पता चलेगा। दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उसी का नतीजा ये आपने देखा होगा किस तरह कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं, ये आपके सबके सामने भी सब कैसे हो रहे हैं सर। अगर आप इसी बात पर अड़े हुए हैं सर, तो मैं भी पूछती हूँ ना सर, आंकड़े कम हो रहे हैं, हम दूसरी तरफ सवाल उठा रहे हैं टेस्टिंग नहीं हो रही है, आप टेस्टिंग पूरे प्रदेश में बंद कर दीजिए कि इसके बाद अगर एक भी मामला सामने आ जाए तो कहिए तो हम खुश होंगे क्या कि मामले नहीं आ रहे, यानी कोरोना खत्म हो गया है। अब आप कही जा रही है कि टेस्टिंग बंद हो गई है, अब ये तो देखिए आपका बंद नहीं हुई है, हो नहीं रही है सर, हो नहीं रही है, आप साफ तौर समझिए ना हम क्या कह रहे हैं। दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी खुद की विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, किसी PSC पे जाके, उससे संबंधित किसी गांव पे आप जाके पता कर लीजिए, सब जगह चिकित्सकों की टीम पूरी तरह मजबूती के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम कर रही है और सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आप भरतपुर का जिक्र कर रहे हैं ना, भरतपुर का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि आपके आपके क्षेत्र में या आपकी विधानसभा क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, वहाँ सब चीजें मुद्दा क्योंकि वहीं का था, तो आप वहीं की जब मुझसे पूछ रही है तो स्वाभाविक है मैं वहीं की बात करूंगा आपसे। नहीं नहीं, तो वही मैं कह रही हूँ ना सर, आप बार बार ये कह रहे मेरे विधानसभा में, तो बिल्कुल आपकी विधानसभा में आके हम भी देखेंगे, लेकिन अगर सांसद बोल रहे हैं और सवाल आपने मेरी विधानसभा की कई किया, लेकिन वहाँ के लोगों की भी तो बात हो रही है ना सर, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन वहाँ के लोग अगर ये कह रहे हैं कि राज्य स्तर की बात है, स्टेट लेवल की बात आप कर रही है, तो मैं समझता हूँ की बखूबी इसका जवाब हमारे चिकित्सक मंत्री है श्री रघु शर्मा साहब, वो आपको दे देंगे। बिल्कुल ठीक है, ये हम उनसे ले लेंगे, जब भरतपुर का जिक्र, भरतपुर का ही आप जवाब देना चाहते हैं, तो सांसद जी तो ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोग कह रहे हैं टेस्टिंग नहीं हो रही है, इसका क्या जवाब है, लोग कह रहे हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। रंजीता जी देखिए, मैं केवल इतना जानता हूँ, कल मेरी स्वयं सांसद जी से बात हुई, आप पूछ लीजिए लाइन पे हैं और स्वयं खुद बहुत खुश नजर आई, मैंने उनको कहा भी बहन जी की मैं वहाँ मौके पर नहीं खा चाय नहीं पिला सका आपको, और स्वयं वो संतुष्ट दिखी मुझे चिकित्सकों की जो कार्रवाई है वहाँ की। हाँ, वो तो बोल भी रही है ना, वो अभी भी बोल रही है कि व्यवस्थाएं सही है। हाँ, मैं दूसरी बात बोल रही हूँ, और अगर सांसद जी ने कुछ महसूस किया हो ऐसा, मैं समझता हूँ कि कोई सुझाव, जैसे उसके बाद में जाके जिला कलेक्टर और CMHO से मिली थी भरतपुर जाके, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई खामियां, कोई कमियां कुछ नजर आई है सांसद जी को और कोई सुझाव दिया है, तो निश्चित तौर पे तो उस सुझाव पे अमल होना चाहिए। ठीक है रंजीता जी, ये आपका सुझाव ही था कि टेस्टिंग यहाँ पर हो, क्योंकि आपने भी लोगों का जिक्र किया कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि टेस्टिंग नहीं हो रही, और तब आपको पता चला। कल मैं नदवई में दूसरे जो PSC सेंटर है मदिरा, वहाँ पर भी मैंने निरीक्षण कराया है, वहाँ भी क्या है कि टेस्ट कोरोना टेस्ट के लोग हैं और सिर्फ 10 और 20 की जा रही है। अच्छा, और क्या जानकारी आपको वहाँ से मिली? और लैंड में खड़े हैं 100 मतलब 10-20 का करेज है, तो आंकड़े का ये साफ जाहिर पता लग रहा है मैडम। मतलब आप ये कह रही कि आंकड़े यहाँ छुपाए जा रहे हैं, आंकड़ों की जो बात आप कह रही हैं वो सही है, तो फिर आप यानी आप ये कह रही कि जोगिंदर जी कह रहे हैं जो वो गलत है? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि मेरे भरतपुर में पूरे में ही आंकड़ा छुपाया जा रहा है, जिस तरीके से जी अभी जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं, मैं हर जगह गई हूँ। तो क्या सभी जगह पूरे भरतपुर में छोटे छोटे गांव में यही हाल है?
अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 600 केस थे, उसमें अभी 50 हो गई या 40 हो गई, उसे क्या, यही तो सारा आंकड़ा है जोगिंदर जी, और जनता के साथ ये खिलवाड़ है। रंजीता जी देखिए, अब आप जवाब हम लेते जोगिंदर जी से, लेकिन जोगिंदर जी अभी नहीं है कॉल पर। वो ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं वहाँ पर ठीक है, एक एक जगह उन्होंने सीएससी पीएससी हो या उप स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ पर व्यवस्था जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ इनके पास कोई जवाब नहीं है इसलिए वो चले गए क्या, आप ये कह रही है? पूरी जो ये कोरोना चल रहा है इसमें पूरी जनता को धोखा देने का काम किया जा रहा है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा गांव की जनता हो चुकी है। रंजीता जी आपने लोगों से बात की, लोगों ने क्या समस्याएं बताई? उन गांव में सीएससी पीएससी तक हम उप स्वास्थ्य केंद्र छोड़िए, सीएससी तक में व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है और सीधे बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है। व्यवस्थाएं आपको क्या कोविड को लेकर नजर आई वहाँ पर? मैं बताना चाहती हूँ श्वेता जी, जैसे की अभी लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा पहले कैंप लगते थे वो भी बंद किए जा रहे हैं और जब हम आते हैं तो डॉक्टर्स कह देते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं है, तो आप बताइए इसमें क्या है। हालांकि इस बात से मैं भी आपकी सहमत करूंगी क्योंकि यहाँ पर जब मैं गांव-गांव जा रही हूँ रंजीता जी, तो लोग यही कह रहे कि शुरुआती दौर में कैंप लगे थे वैक्सीन को लेकर भी, शुरुआती दौर पे लोग पूछ भी रहे थे और आज तो कोई गांव में झांकने भी नहीं आता है, देखने ही नहीं आता है, तो टेस्टिंग की तो बात ही छोड़िए। अगर आप भरतपुर से ये बात कह रही हैं और अगर मैं ये दूसरे गांव की बात कर रही हूँ तो क्या ये हाल पूरे प्रदेश का है, ये भी एक अहम सवाल उठता है। लेकिन रंजीता जी आपके स्तर पर क्या किया जा रहा है, क्या आपने अवगत कराया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस विषय को लेकर, वहाँ क्षेत्र के इन हालात को लेकर? मैंने बिल्कुल मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, पत्र भी लिखा हुआ है और मैं आज मतलब घर में नहीं हूँ, मैं बाहर ही हूँ 15-20 दिन से और पीएससी और पीएच सबके ही मैं काम कर रही हूँ। चलिए रंजीता जी, कलेक्टर साहब को भी मैंने कल अवगत कराया इसके बारे में। चलिए उम्मीद करते कि इस मामले को लेकर जांच भी हो, क्योंकि देखिए टेस्टिंग नहीं हो रही है ये तो नजर आता है। अगर आप बोल रही हैं कि आपने वहाँ पर छिपाए जा रहे हैं तो इसका जवाब और आंकड़ों के साथ नहीं, नहीं, श्वेता जी मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ ये जनता, नहीं वहाँ के लोग, ठीक है वहाँ के लोग बोल, ठीक है सरकार और आप खुद वीडियो में भी देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रंजीता जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल श्वेता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज़।